वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओएआरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इंडिया के सीजन के बारे में एग्रीकल्चर में, अब आज हम देखेंगे मेन क्रॉप्स। ठीक है, तो मेन क्रॉप्स कौन कौन है आपकी? राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन, पल्सेस, टी, कॉफी, सुगर केन, ऑयल सीड, जूट, कॉटन एक्सेट्रा, दीज आर मेन क्रॉप्स। तो एक एक करके चलिए सबके बारे में देखते हैं। पहले है आपका राइस। मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स इन इंडिया आर राइस। ठीक है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल टू ग्रो। ठीक है, इसके लिए आपको, इसके बढ़ने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का तापमान, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए। ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इट ग्रोन इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा रीजन्स। ठीक, बिलोंग्स टू द ग्रामिनी फैमिली एंड बोटैनिकल नेम इज ओराइजा सटाइवा। ओके, ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है, गेहूं चावल दोनों, याद रखिएगा, ग्रामिनी फैमिली एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका बोटैनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा और ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। आगे देखा जाए तो अजोला एंड इंडिको ग्रीन एल्गाई आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर टू सप्लाई नाइट्रोजन इन अ पैडी ग्रुप। ठीक है, एक पैडी क्रॉप में, ठीक है, नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए जो बायो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं वो है आपका अजोला और इंडिगो ग्रीन एल्गाई। ठीक है, नील हरित शैवाल जिसको कहा जाता है और अजोला। आगे देखते हैं, प्रोपेनिल स्टेम 34 मैच्योरिटी एंड बेसिलिन आर मेजर वीड्स यूज इन पैडी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लेते हैं, चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ हाइब्रिड पैडी इन लेट 1970s यूजिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड पैडी को सबसे पहले चाइना ने डेवलप किया था लेट 1970s में। फिर इसमें आगे देखते हैं, PHB 71 इज द ओनली हाइब्रिड वेराइटी डेवलप्ड बाई अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये कुछ नाम है आपके, APRH1, APRH2, KRH1, MGR, ये सब याद की रहिएगा, ये सब आपके राइस की वेराइटीज़ हैं, उनके नाम हैं। आगे है आपका डिपोग मैथड। ठीक है, दिस मेथड इज मेथड ऑफ राइस प्रोडक्शन इज अ पॉपुलर इन द फिलीपींस एंड जापान। इन दिस मेथड सीडिंग ऑफ ट्रांसप्लांटिंग बिकम रेडी इन 12th डे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीडलिंग होती है, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए पैडी की, वो 12वें दिन में तैयार हो जाती है। ये डिपोग मेथड है, ये देखिएगा राइस कल्टिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। पडिंग इज डन टू रिड्यूस वाटर लीकेज इन पैडी फील्ड्स। तो आगे देखते हैं इसमें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस इसमें 2004 को डिक्लेयर किया एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जया वाज द फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पैडी डेवलप्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये याद रखिएगा, जया जो है ये पहली ड्वार्फ वैरायटी है पैडी की, पहली बॉनी वैरायटी। आगे देखते हैं कुछ और वैरायटीज़ के नाम, इंपॉर्टेंट, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूजा, पूषा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूषा सुगंधा, बर्नी दीप, शुष्क सम्राट आर द मेन वैरायटीज ऑफ पैडी। ठीक है, इसमें शुष्क सम्राट इज अ सुटेबल एंड प्रोडक्टिव वैरायटी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ स्टेट्स। ठीक है, तो आपके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ स्टेट में जो आपके ड्रॉट इफेक्टेड एरिया हैं, सूखे क्षेत्र हैं, उसके लिए सुटेबल वैरायटी जो है आपके शुष्क सम्राट है। पूसा RH1, PNB 71, गंगा, सुरुचि एक्सेट्रा आर द हाइब्रिड्स ऑफ बासमती राइस। ठीक, ये भी नाम याद रखिएगा कि ये सब कुछ आपकी बासमती राइस की हाइब्रिड्स हैं। आगे हैं, डेवलपमेंट ऑफ महाधान सुपर राइस द मेन ब्रीडर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस वॉज बाई GS खुश। ठीक, ही स्टार्टेड रिसर्च वर्क ऑन महाधान इन 1989। ठीक है, महाधान, ठीक है, सुपर राइस के बारे में बात हो रही है। लूनीश्री इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी डेवलप्ड बाई ये CPRI कटक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लेटेस्ट वैरायटीज ऑफ पैडी आर
धनसी RH204, ठीक है, डांडी, साह, सारंग, गौरी, श्वेता, भूदेव, वर्षा एक्सेट्रा, दीज आर लेटेस्ट वेराइटीज। DRR, ठीक है, DRR इज द हाईली जिंकेटेड स्पीसीज ऑफ पैडी, ठीक है, DRR 45, ठीक है। खैरा इज द मेजर डिजीज कॉज्ड बाई जिंक डिफिशियंसी इन पैडी, ये बिल्कुल याद रखे रहिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि खैरा जो है वो किस क्रॉप पर हो गए, तो सबसे पहले आपका राइस पैडी से रिलेटेड है, दूसरा है किसकी कमी से खैरा होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है, जिंक डिफिशियंसी की वजह से। आगे देखते हैं, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए फाउंड इन द वेराइटी ऑफ गोल्डन पैडी, ठीक है, गोल्डन पैडी जो गोल्डन राइस है उसमें सबसे हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए पाया जाता है। सेकेंड क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, विटामिन B1 थाइमिन इज यूजली डिस्ट्रॉयड वेन राइस इज वॉश्ड, ठीक, इसीलिए द मोस्ट ऑफ कंज्यूम्ड एरिया पीपल सफर फ्रॉम बेरी बेरी डिजीज, ठीक है, तो इसका मतलब है जिस एरिया में ज़्यादा चावल कंज्यूम किया जाता है वहाँ पे बेरी बेरी रोग होता है। ऐसा क्यों होता है कि चावल में जो विटामिन B1 पाया जाता है जिसको थायमीन कहते हैं, चावल धुलते टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट्स वाई इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। आगे है आपका, ऑन November 6, 2011 अ न्यू राइस वेराइटी कोहसर वॉज डेवलप्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर वैली, ठीक, ये बिल्कुल, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चावल के मतलब नाम हैं, वेराइटीज़ हैं, जैसे आपका कोहसर हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड के लिए, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे DRR 45 है, हाईली जिंकेटेड है, ठीक है, लूनीश्री है, ठीक, लूनीश्री देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महाधान है, गोल्डन राइस है, शुष्क सम्राट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद की रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है क्योंकि इसकी अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।